आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए GK के सेट 11 को देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इससे पहले हमने जो है सेट 10 तक जो है पूरी तरह से कम्प्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर इंपॉर्टेंट प्रश्न है वहाँ पर। तो अभी हम जो है इसमें महत्वपूर्ण जो है 20 प्रश्न देखने वाले हैं सेट 11 का। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर इससे पहले आपने सेट 10 तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लगाया गया था तो उस समय जो है उस योजना के तहत जो है किस क्षेत्र में जो है या किस क्षेत्र को जो है प्रमुखता दिया गया था। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कृषि क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका हुआ था इसमें जो है कृषि क्षेत्र को जो है बढ़ावा दिया गया था, यानी कि प्रथम क्षेत्र जो प्रमुखता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में वो जो था कृषि के क्षेत्र था। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए कि सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ यानी कि सूरज का जो पृष्ठ होता है उसका लगभग जो है कितना टेम्परेचर होता है। 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, बताइए कितना होता है आप सभी लोग। तो मैं आपको बता दूं कि सौर पृष्ठ का लगभग जो है आपका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न 3 नंबर है कि मशीन गन का आविष्कार जो है किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका है एडिसन, मार्कोनी, जिल्लेट और जेम्स फलक, बताइए किसने किया था। तो मशीन गन का आविष्कार जो है आपका जेम्स फलक ने किया था। किसने किया था? जेम्स फलक ने मशीन गन का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर कि पन्ना लाल घोष क्या है। पन्ना लाल घोष जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बताइए। पन्ना लाल घोष जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। यहाँ पर ऑप्शन है बांसुरी, सितार, और यहाँ पर है वायलिन, और यहाँ पर संतूर, बताइए। तो पन्ना लाल घोष जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। यहाँ पर ऑप्शन है आपका बांसुरी, सितार, वायलिन और संतूर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, संतूर बजाते थे। क्या बजाते थे? पन्ना लाल घोष, संतूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर की चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक जो है पुस्तक किस विषय से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्र, राजनीतिक, चिकित्सा, धर्म, बताइए किसका है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चिकित्सा। जो आपका चरक संहिता नामक पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 6 नंबर है, और आप सभी लोगों से निवेदन है क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। समझ रहे। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, देहरादून, बताइए एयर इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया था? इंद्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, तुलसीदास, बताइए किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है निम्नलिखित में से जो है विश्वामित्र जी ने किया था। किसने किया था?
विश्वामित्र जी ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन की छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। छोटा इमाम बाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है, बिहार में, पंजाब में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, बताइए। तो देखिए छोटा इमाम बाड़ा या बड़ा इमाम बाड़ा, ये दोनों जो है आपका लखनऊ में स्थित है, समझ गए, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा तो क्वेश्चन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न 9 नंबर है कि मुद्राक्ष, जो आपका मुद्राक्ष नामक पुस्तक है, मुद्राक्षस, मुद्राक्षस नामक जो आपका पुस्तक है के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, विशाखा दत्त, कृष्ण परमहंस, बताइए किस कौन है। तो देखिए मुद्राक्ष नामक पुस्तक का जो लेखक है वो आपके जो है निम्नलिखित में से आपके विशाखा दत्त जी है। कौन है, विशाखा दत्त जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 10 नंबर, देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है आपका कुंडलग्राम में, वैशाली में, मेरठ में, कानपुर में, बताइए कहाँ हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है निम्नलिखित में से जो है यह आपका जो है कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडलग्राम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपना प्रश्न 11 नंबर देखिए और आप सभी लोग बताइए कि चौरा चौरी कांड जो है कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कहाँ पर और कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि चौरा चौरी कांड जो है कब और कहाँ हुआ था। तो यह जो है आपके गोरखपुर में हुआ था, समझ गए, गोरखपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है, यूपी में है। और ये कब हुआ था, 1922 ईस्वी में आपका हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न है 12 नंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, ये भी था इम्पॉर्टेंट कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1907, 1913, 1917, 1906, बताइए कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, दिल्ली होगा कि वाराणसी होगा कि मथुरा होगा कि हैदराबाद होगा। तो मैं आपको बता दूं कि संत कबीर का जन्म जो है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, 1526, 1556, 1543, 1529, बताइए कब लड़ा गया था। तो देखिए घाघरा का युद्ध जो है ना 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, समझ गए, पानीपत की प्रथम युद्ध, याद रखिएगा, समझ गए। ये आपका क्या है, 1529 में जो है आपका घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है और यह प्रश्न बोल रहा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की फूल किसने किया था, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, ये बताइएगा। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, फिर यहाँ पर आपका पुर्तगालियों द्वारा, बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि भारत तक समुद्री मार्ग का जो खोज है निम्नलिखित में से जो है पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 16 नंबर, तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखिए कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक है वो आपके महात्मा गांधी जी है। कौन है, महात्मा गांधी जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में, संविधान के जो है किस भाग में आपके ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है या करती है। तो यहाँ पर बताइए भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के जो है भाग 4 में जो है आपके पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 18 नंबर है कि द फ्यूचर, देखिए द फ्यूचर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द फ्यूचर इंडिया पुस्तक नामक के लेखक कौन है, बिमल जलान, दीपक चोपड़ा, यहाँ पर आपका अमित घोष, एन के सिंह, बताइए कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि द फ्यूचर इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके बिमल जलान है। कौन है? बिमल जलान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत की कुल भूमि का, भारत का कुल भूमि का, यहाँ पर अलग होना चाहिए, भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? यहाँ पर है 52.7%, 56.3%, 65.3%, 70.7%। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का कुल भूमि का जो है 52.7% जो है क्या है कि कृषि कार्य हेतु मतलब अच्छा है, समझ गए? यह पूरा भारत का है, कितना? 52.7%, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुआ? यहाँ पर ऑप्शन है आपका जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, बताइए क्या होगा? पहली औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में शुरू हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि पहली औद्योगिक क्रांति जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये रहा आपका 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जीके का सेट क्या था, जीके का सेट आपका 11 था। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बताइए कि ये 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही उत्तर हुए, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, ओके।